नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार की सियासत इस बात को लेकर एक बार फिर से रामचरितमानस विवाद को लेकर गर्म हो गई है। जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सदन के अंदर धर्मग्रंथ लेकर पहुंच रहे हैं और अपने विभागीय बजट से अलग इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद अब उन्होंने हिंदू समाज के बड़े संत रामभद्राचार्य ने शिक्षा मंत्री को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने अपनी माँ का दूध पिया है तो हमसे आकर निपट ले। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस को जवाब भेज दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में यौन उत्पीड़न के संबंध में राहुल गांधी के बयान पर दिल्ली पुलिस ने उनसे सवाल पूछे थे। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सूत्रों ने कहा है कि राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस को 4 पन्नों का जवाब भेजा है जिसमें 10 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। हालांकि सूत्रों द्वारा यह भी कहा गया है कि उत्तर स्पष्ट नहीं है। प्राचीन काल में बिहार की गिनती शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के रूप में की जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय गौरवशाली अध्ययन केंद्रों के रूप में देश और दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। शिक्षा माफिया और बाहुबलियों की दखल से भी बिहार के शिक्षा व्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा। एक आंकड़े के अनुसार बिहार में 26.27% बच्चों ने स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की है। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं लुधियाना से कांग्रेस सांसद रमनीत सिंह बिट्टू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। अमृतपाल पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि अगर अमृतपाल गुरु का सच्चा सिख होता तो उसे मैदान छोड़कर भागने की जरूरत नहीं होती, वो गिदर की तरह नहीं भागता। अमृतपाल की असलियत लोगों के सामने आ गई है। मुस्लिम समुदाय में वो लोग जो सामर्थ्य रखते हैं उनके लिए अपने पूरे जीवन में कम से कम एक बार हज करना जरूरी होता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया से करोड़ों मुसलमान हज के लिए हर साल सऊदी अरब पहुंचते हैं। लाखों लोग भारत से भी हर साल जाते हैं जिसके लिए अलग अलग राज्यों में वीजा के लिए हजारों आवेदन आते हैं। बिहार में भी इस साल हज यात्रा के लिए अब तक 5500 से भी ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी मांग कर रही कि राहुल गांधी अपने लंदन वाले बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगे। वहीं राहुल गांधी ने साफ कहा है कि 4 मंत्रियों ने उनके खिलाफ जो आरोप संसद में लगाए हैं उनके जवाब में संसद में ही देंगे। राहुल गांधी ने इसके लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी की थी। राहुल गांधी ने स्पीकर को पत्र सौंपकर लोकसभा में बोलने का वक्त मांगा था, जहां स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मांग खारिज कर दी थी। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन दिनों विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले हैं। उनकी इस यात्रा पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए अवसरवादी यात्रा बतलाया है। उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा के इस यात्रा पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो के सीधा आज 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ गए हैं। दिल्ली पहुंचते ही जापानी पीएम सबसे पहले राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम फूमियो के सीधा ने राजघाट पर आंगतोक पुस्तिका पर अपने साइन किए और उन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तकें भेंट की गई। बोधगया में बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह महाबोधि कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए 72.90 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। इसमें 66.96 एकड़ जमीन शिक्षा विभाग की, 0.30 एकड़ बिहार सरकार की व 0.17 एकड़ जमीन सर्वसाधारण भूमि। इस कॉरिडोर की खासियत यह होगी कि यह लाल गुलाबी व पीले पत्थरों से तैयार होगा। ये पत्थर राजस्थान से मंगवाए जाएंगे। महाबोधि मंदिर के चारों ओर खासकर निरंजना नदी के तटीय क्षेत्र पर सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बिहार के लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारतीय तिरंगे के अपमान और उपद्रव किए जाने पर भारत के विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जाहिर की है। रविवार देर शाम ही भारत ने ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया और उन्हें ऐसी घटनाओं पर सख्ती बरतने की हिदायत दी। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी करे बयान में ब्रिटेन से उच्चायोग के बाहर सुरक्षा न मुहैया कराए जाने को लेकर जवाब भी मांगा गया। मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिटेन में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा में भेदभाव हो रहा है जो कि पूरी तरह अस्वीकार्य है। उज्जैन में बाबा महाकाल के धाम में रविवार दोपहर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब अचानक एक अज्ञात बुजुर्ग महिला 3.5 फुट का बैरिकेडिंग कूद कर गणेश मंडप में नंदी हॉल में प्रवेश कर गई, जहां से सीधा गर्भगृह में पहुंच गई और दर्शन कर निकल गई। बता दें कि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मी और पुलिस कर्मियों ने महिला को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन बेकाबू और गुस्से से आग बबूला महिला किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। महिला ने गर्भगृह में ही चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को धक्का दिया और बाबा का जलाभिषेक भी किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर इशारों में कुछ ऐसे बयान दिए जिस पर विवाद होना तय माना जा रहा है। जब हरदीप सिंह पुरी से कांग्रेस की तरफ से वीर सावरकर वाले ट्वीट को लेकर सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि घोड़ों की रेस में गधों का क्या काम। उन्होंने कहा कि कहां सावरकर और कहां राहुल गांधी। उनके इस बयान के बाद एक नया बवाल होना तय माना जा रहा है। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बावजूद चीन के लोगों के दिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक अलग सम्मान है।
अमेरिका की पत्रिका डिप्लोमेट में प्रकाशित लेख के अनुसार चीनी लोगों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदर पूर्वक मोदी लाओसियन कहा जाता है, जिसका अर्थ मोदी अमर है। मौजूदा समय में जब दोनों देशों के संबंध मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे समय में इस तरह के लोगों के बीच इतना सम्मान मिलना वाकई बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 30 अप्रैल 2023 तक वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत योग्य पेंशनरों और सशस्त्र बलों के वीरता विजेताओं को 30 जून 2023 तक 70 वर्ष से अधिक के योग्य पेंशनरों और शेष पात्र पेंशनरों को सम्मान किस्तों में या उससे पहले बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार वन रैंक वन पेंशन योजना के संदर्भ में 2022 के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से हुए नुकसान के बाद अडानी ग्रुप खुद को उठाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन लगता नहीं कि कोशिशें रंग ला रही हैं। ताजा घटनाक्रम में गुजरात के मुद्रा में अडानी ग्रुप में 34,900 करोड़ रुपए की पेट्रो रसायन परियोजना का काम रोक दिया है। माना जा रहा है कि अडानी ग्रुप खुद को मजबूत करने और निवेशकों की चिंताओं को दूर करने के लिए संसाधनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पीरियड स्लीव का प्रावधान फिलहाल दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ब्रिटेन, चीन, जापान, ताइवान और जाम्बिया में लागू है। भारत में भी यह मामला वैधानिक प्रावधान तथा नीतिगत निर्णयों के बीच उलझा है। हालांकि बिहार तथा केरल सरकार सहित निजी क्षेत्र में कुछ कंपनियां पहले से ही अपने यहां कार्यरत महिलाओं को पीरियड स्लीव दे रही है। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही उड़ान योजना से विमान उद्योग का तेजी से विकास हो रहा है। इस कारण पिछले 6 सालों में यात्रियों की संख्या बढ़कर लगभग 2 गुनी हो गई है। साथ ही बड़ी संख्या में छोटे एयरपोर्ट्स भी शुरू कर दिए गए हैं। उड़ान योजना के तहत 100 एयरपोर्ट शुरू किए जाने का लक्ष्य तय किया गया। इसमें से 74 एयरपोर्ट्स बनाए जा चुके हैं, जबकि 26 एयरपोर्ट्स का काम अभी बाकी है। कोरोना मामले में अचानक आए उछाल ने केंद्र सरकार से लेकर राज्यों के माथे पर बल ला दिया है। कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सोमवार को एक बड़ी बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के मद्देनजर रणनीतियां बनाई जा सकती हैं। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस को लेकर भी कुछ बड़े फैसले लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में अब करीब 1 साल का समय बचा है और अभी से ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बीच ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी राहुल गांधी द्वारा ब्रिटेन में की गई टिप्पणियों के लिए संसद की कार्यवाही बाधित कर उन्हें हीरो बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस भाजपा से लड़ने में और नाकाम रही है और पश्चिम बंगाल में भाजपा के साथ उनकी मौन सहमति है। मीडिया खबरों के अनुसार मुर्शिदाबाद जिले में पार्टी की आंतरिक बैठक में कार्यकर्ताओं को फोन पर संबोधित करते हुए बनर्जी ने यह बात कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 मार्च को गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के 4th दीक्षांत समारोह में स्नातक विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कई बड़े बयान दिए। अमित शाह ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सभी ने स्वीकार किया और पूरा देश इसे लागू करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि अतीत में शिक्षा नीति के वैचारिक जुड़ाव के कारण विवाद खड़ा हो गया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को संकीर्ण सोच के दायरे से बाहर लाने में काम करेगी। कवि कुमार विश्वास यूपी विधान परिषद के सदस्य नहीं बनना चाहते। बताया जा रहा है कि भाजपा की ओर से दिए गए प्रस्ताव को कुमार विश्वास ने ठुकरा दिया है। विधान परिषद में मनोनीत कोटे की 6 सीटों में लेखक, कवि, सांस्कृतिक कलाकार सहित अन्य क्षेत्रों से लोगों को मनोनीत करने का प्रावधान है, लेकिन 26 मई 2022 से इन सीटों पर मनोनयन अटका हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कुमार विश्वास को एमएलसी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन वे प्रदेश की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। भाजपा में उनके कुछ करीबी मित्रों ने मनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पहल की। अब सड़कों के लिए जमीन देने वालों को भी टोल टैक्स में साझेदारी मिलेगी। इसके लिए पीडब्ल्यूडी स्टेट हाईवे चिन्हित करेगी। पहले चरण में 20,000 से भी ज्यादा पीसीयू वाले राज्य राजमार्ग को शामिल किया जाएगा। व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्र विकसित करके भी किसानों को इनका हिस्सा दिया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा होने और न्यायपालिका को विपक्षी दल की भूमिका निभाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। रिजिजू ने इंडिया टुडे द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में कहते हुए बयान दिया है कि न्यायाधीश किसी समूह या राजनीतिक संबद्धता का हिस्सा नहीं है, और सवाल किया है कि कुछ लोग खुले तौर पर यह सुझाव क्यों दे रहे हैं कि न्यायपालिका सरकार का विरोध करती है। अमेरिकी ऊर्जा मंत्रालय की लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी की एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता है। भारत 2047 में देश की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत शीर्षक वाले अध्ययन के अनुसार भारत के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को आने वाले दशकों में $3,000 अरब के निवेश की जरूरत होगी। पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अमृत पाल पर कार्रवाई को लेकर आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि मैं पंजाब के सीएम भगवंत मान को बधाई देना चाहूंगी। पिछले 2 दिनों में उन पर जो एक्शन हुआ है उससे पूरे देश में अस्पष्ट संदेश गया है कि अगर कोई भी अमन चैन खत्म करने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ओटीटी पर इन दिनों काफी बोल्ड कंटेंट की बाढ़ आई हुई है। कई ओटीटी के शोज और सीरीज में वल्गैरिटी से लेकर गाली गलौज की भी काफी भरमार है, जिसका बच्चों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसे देखते हुए अब केंद्रीय सरकार ने मोर्चा संभाल लिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ साफ कह दिया है कि ओटीटी पर क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज और अश्लीलता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि आयुर्वेदिक का जितना महत्व है उत्ना ही गोमाता का भी। आयुर्वेद से गंभीर बीमारियों का भी इलाज संभव है। गाय के दूध से भी शक्ति बढ़ाने का सामर्थ्य है। आयुर्वेद को दूसरी पैथी से बेहतर बताते हुए उन्होंने कहा है कि सामान्य बुखार से लेकर कोरोना का इलाज आयुर्वेद में बेहतर है। आयुर्वेद के विद्यार्थियों को काम पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हुए कहा है कि समेकित प्रयास से एक दिन वह एलोपैथ को धरती में गाड़ के रहेंगे। उज्जैन के जिस महान सम्राट के नाम पर मध्य प्रदेश की सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर 33 दिवसीय उत्सव मना रही है, उसी सम्राट का दरबार मरम्मत की बाट जो रहा है। स्थिति यह है कि सम्राट के सिंहासन का छत्र गायब है और उनके नवरत्न दरबारियों का रंग उड़ा हुआ है। प्रतीक चिन्हों की प्रतिकृति भी मकड़े के जाले में जमे हुए। इस स्थिति को देखते हुए उज्जैन वासी और पर्यटक दोनों ही नाराज है। उनका कहना है कि जिस सम्राट के नाम से हिंदू पंचांग चलता है, जिनके न्याय धर्म प्राकर्म और ज्ञान का पूरा देश लोहा मानता है, उन्हीं के दरबार की मरम्मत और साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाना ठीक नहीं है। बीते कुछ दिनों में लिव इन रिलेशनशिप के दौरान लड़कियों की हत्याएं हो गई। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसमें मांग की गई थी कि लिव इन में रहने वाले कपल का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने जापानी पीएम फुमियो किसिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि किसिदा की भारत यात्रा से आपसी सहयोग बढ़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जापान की रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान पर आधारित है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, बिट्टू कुमार झा, अब्दुल रहमान, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, अभिषेक राज, एमडी साकिर हुसैन, एमडी मुर्तजा, दीपक कुमार, अर्जुन राम और एमडी नौशाद रजा। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितनी कारगर रहेगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।